गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो इज फॉर क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इज इंग्लिश ग्रामर। बेटा, वी हैव कम्प्लीटेड फोर चैप्टर ऑफ दिस बुक, यानी ग्रामर के हम फोर चैप्टर कम्प्लीट कर चुके हैं। टूडे इन दिस वीडियो वी विल डू चैप्टर फाइव। सो बेटा, गेट रेडी क्विक, टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन चैप्टर फाइव। सी बेटा, इट इज योर चैप्टर फाइव। द चैप्टर फाइव नेम इज यूज ऑफ कैन और कैन नॉट। इज इट क्लियर? So before starting chapter, we will go to back. These exercise I made you understand already. It is belong to chapter 4. Okay, one word substitution मैंने आपको पढ़ाया था पहले, तो इससे related है ये exercise। हम लोग पहले complete कर चुके हैं। Okay, तो आप I hope आपने कर लिया होगा। बेटा, ये book में ही आपको करना था। और आप एक मैं बात आपको इस chapter में बताना भूल गई थी, आपको वन से लेकर ओके टोटल इसमें 53 दिए हुए हैं। ये आपको धीरे धीरे लर्न भी करने हैं, एक साथ नहीं कर सकते। तो 10-10 का पेयर बना लेना बेटा, है ना। 10-10 के पेयर में आप इसे लर्न करोगे, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। ओके, बहुत फायदे की है ये, मतलब बहुत फ्रूटफुल होगी आपकी स्टडी में। आप इसे यूज भी कर सकते हो और बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आपको मिलेंगे। सो यू विल लर्न इट। ओके, now come on the chapter 5. See, it is chapter 5. I have already cleared it. The use of can and cannot. सबसे पहले तो बेटा आपको ये बता दूं कि can और cannot होते क्या हैं। बेटा, इन्हें ये मॉडल होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल होते हैं। मॉडल्स बहुत सारे होते हैं हमारे इंग्लिश सिलेबस में, बट यहाँ आपको क्लास फिफ्थ में ओनली कैन और कैन नॉट का यूज बताया गया है। तो कैसे करते हैं हम कैन और कैन नॉट का यूज, वो हम चैप्टर रीडिंग करके करेंगे। इज इट क्लियर? तो देखिए, आप ये रीड करिए। आई कैन रीड इंग्लिश। हिंदी मीनिंग ऑफ कैन इज किसी काम को करने की क्षमता, यानी एबिलिटी। ओके, कैन मी सकना होता है। जैसे कि मैं हिंदी बताती हूँ ट्रांसलेशन, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूं। आर यू गेटिंग मी? मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूं, ठीक है। आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिख नहीं सकता। तो आई होप यू गेट समथिंग। कैन का मतलब सकना, एबिलिटी, और कैन नॉट मीन्स डिसेबिलिटी, ठीक है। यानी किसी कार्य को ना करने की, यानी इनएबिलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर बेटा? अयोग्यता। ओके, नाउ यू कैन स्विम, तुम स्विम यानी तैर सकते हो। दे कैन नॉट स्विम, वे नहीं तैर सकते। आर यू गेटिंग समथिंग? गुड। नाउ यूज रूल वन टू यूज कैन। कैन को यूज करने के लिए रूल वन दिया हुआ है। देखो, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड और कैपेसिटी ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कैन का यूज पावर एक्सप्रेस करने के लिए, एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए और कैपेसिटी एक्सप्रेस करने के लिए होता है। आर यू गेटिंग? पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये होता है, ओके, सेंटेंस में सब्जेक्ट। क्लियर? जो वर्क करता है, डूअर भी कह सकते हैं हम इसे। कैन इज ऑल्सो यूज टू गिव परमिशन। कैन परमिशन देने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। नाउ रूल टू, कैन नॉट इज यूज टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब बेटा होता है निषेध, यानी किसी चीज के लिए मना करना, ठीक है, फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। यानी जैसे इसमें बताया, आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता। नाउ कम ऑन दिस टेबल, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग कैन कैन नॉट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन फॉलोइंग टेबल। देखिए, ये एक्सरसाइज आप खुद करोगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे करोगे। यहाँ आपको कुछ एबिलिटी दी हुई है। देखो, ड्राइव अ कार, कौन कौन ड्राइव कर सकता है? अनिल और अनीता। शरद नहीं कर सकता। रीड संस्कृत, क
कौन रीड कर सकता है? शरद और अनीता. अनिल नहीं कर सकता. यूज अ कंप्यूटर, कौन कौन? द थ्री ऑफ देम कैन यूज कंप्यूटर. तीनों कंप्यूटर यूज कर सकते हैं. स्पीक इंग्लिश, अनिल और अनीता. शरद नहीं बोल सकता. स्पीक हिंदी, अनिल एंड शरद कैन स्पीक हिंदी बट अनीता कैन नॉट. यूज मोबाइल फोन, अनिल कैन नॉट यूज मोबाइल फोन. शरद कैन यूज मोबाइल फोन, अनीता कैन नॉट यूज मोबाइल फोन. सो ये इस टेबल का मतलब है ये, ठीक है. नाउ आपको क्या करना है, सी एग्जाम्पल. अनिल कैन स्पीक इंग्लिश. अभी मैंने बताया अनिल कैन स्पीक इंग्लिश. कैसे पता चला हमको? सी स्पीक इंग्लिश देखेंगे. स्पीक इंग्लिश दिस वन एंड सी अनिल कैन स्पीक इंग्लिश. आर यू गेटिंग मी? सी स्पीक इंग्लिश, अनिल कैन स्पीक. ये एग्जाम्पल दिया है आपको. अब देखिए ये एक्सरसाइज फिल करेंगे. अनिल स्पीक हिंदी, तो अपन देखेंगे हिंदी. स्पीक हिंदी, तो देखिए अनिल कैन स्पीक, तो अपन यहां क्या फिल कर देंगे बेटा? कैन. क्या फिल कर देंगे? कैन. ओके बेटा, गॉट इट नाउ? समझ आ गया ना? ऐसे आप इसको फिल करोगे. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. राइट फाइव टास्क विच यू कैन डू यूजिंग कैन एंड ऑल्सो राइट फाइव सच टास्क विच यू कैन नॉट डू यूजिंग कैन नॉट. ओके, तो जो काम आप कर सकते हो वो तो उसमें आपको कैन यूज करना है, जो नहीं कर सकते उसके लिए आपको कैन नॉट यूज करना है. दिस होमवर्क यू विल राइट इन योर नोटबुक. इज इट क्लियर? ये आप नोटबुक में लिखोगे. मैं जैसे एक सेंटेंस बना देती हूँ आपको बताने के लिए. आई कैन रीड इंग्लिश. ओके, आई कैन नॉट रीड उर्दू. लाइकवाइज इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है. व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज एनी वर्ब. कोई भी वर्ब आप यूज कर सकते हो. इज दैट क्लियर बेटा? नाउ कम ऑन एक्सरसाइज थर्ड. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैन और कैन नॉट. अब आपको ये सेंटेंस कैन और कैन नॉट यूज करना है इनमें. तो देखो हमने चैप्टर फर्स्ट में किया था द ट्रुथ मेक अस फ्री, तो ट्रुथ कैन आएगा. ओके, ट्रुथ कैन मेक अस फ्री. चैप्टर फर्स्ट रीड किया था ना रीडर पोर्शन में. आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, सो आई कैन नॉट प्ले विद यू. मैं बिजी हूं इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता. द मैजिक लैम्प कैन ग्रांट एनी विश. अभी चैप्टर आएगा तब आपको पता चल जाएगा मैजिकल लैम्प का. तो जो मैजिक लैम्प है वो कोई भी विश ग्रांट कर सकता है, दे सकता है. वी अचीव एनीथिंग विदाउट ऑर्डर एंड क्लीनिनेस. बिना ऑर्डर और क्लीनिनेस के हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. क्या आएगा बेटा? आपको समझ आ गया होगा, वी कैन नॉट. यूज ऑफ टबैको लीड टू कैंसर. तो यूज ऑफ टबैको अगर हम खाते हैं यानी तंबाकू हम खाते हैं तो उससे वो हमें कैंसर तक ले जा सकते हैं, यानी उससे कैंसर हो सकता है. तो कैन आएगा. द स्टार्स शाइन ड्यूरिंग द डे. स्टार्स कैन नॉट. इट इज वेरी इजी ना? आई ड्रिंक कोल्ड वाटर बिकॉज आई फील पेन इन माई टीथ. अब टीथ में पेन है तो कोल्ड वाटर तो ऑब्वियसली कैन नॉट. गॉट इट नाउ? आई होप यू आर गेटिंग प्रॉपरली. अ फायर फ्लाई ग्लो इन द डार्क. तो फायर फ्लाई कैन. इज दैट क्लियर? सो दिस चैप्टर इज फिनिश टूडे. फिनिश नहीं हुआ है, 9 और 10 भी बचे हैं. ओके, अभी फिनिश नहीं हुआ है. आई क्लीन माई रूम, आई कैन.
ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट, वीक होगा तो टेबल को लिफ्ट नहीं कर सकता. ओके, सो नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 6. चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे. और बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यू रीड इट वंस, एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो समझने में बहुत आसानी रहेगी. ओके ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.